बेटा 11:30 बज गए हैं, चलो खाना खा लो, आओ चलो। नहीं सुप्रीमा, जब तक अंशुमन जी यहाँ नहीं आ जाते हम यहाँ से उठने भी नहीं वाले। फिर अन्न का दाना कैसे मुंह में रख ले? हमें विश्वास है अंशुमन जी पर, वो जरूर आएंगे। एक बार वो यहाँ आकर बस हमारे गले में मंगलसूत्र डाल दे, फिर हम दोनों साथ मिलकर खाना खाएंगे। बस सुमन, बस बहुत हुआ अब। बेटा तुम तो समझदार हो, तुमने क्यों जिद ठान ली है? और जब से यह सब हो रहा है तुमने गौर से अपने आप को आईने में देखा है? कितनी कमजोर हो गई हो। चलो पहले खाना खाओ। तुम नहीं खाओगी ना तो तुम्हारी सुरभि मामी नहीं खाएंगी। खाना खाओ। सुरभि माँ, आप अपनी इस बेटी को दुविधा में डाल रही हैं। बस बस 15 मिनट रुक जाइए, अंशुमन जी आते ही होंगे, साथ में खाना खाएंगे हम दोनों, प्लीज। क्यों जिद पकड़ के बैठी हो बेटा? नंदन नजरें बिछाए बैठा है, अंशुमन आएगा तो कैसे आएगा? हमें अपने अंशुमन जी पर विश्वास है सुरभि माँ, हमारा दिल कह रहा है अंशुमन जी जरूर आएंगे। सब कुछ जैसा हम चाह रहे हैं वैसा ही हो रहा है, अब बस अंशुमन बाबू को यहाँ आने से रोकना होगा, लेकिन कैसे? तुमको क्या जरूरत थी बीच में अपनी टांग आने की? अकल घास चढ़ने गई क्या तुम्हारी? उस समय जब तुम्हारी माँ तुम्हें वापिस भेज चुकी थी और दादाजी वहाँ बंटवारा करने वाले थे, वहाँ रुककर अपना हिस्सा लेकर आना था ना? सौरभ जी, जब दादाजी को बंटवारा करना होगा तब वो करेंगे ना, मैं उसके कारण वहाँ पे रुकूं ये सही नहीं है ना? चाहे वहाँ पे मुझे कितना भी प्यार मिले, सम्मान मिले, आखिर है तो वो मेरा मायका ना, ये मेरा अपना घर है, मेरा ससुराल। हेलो सौरभ बाबू, थोड़ा अक्कल लगाइए। अंशुमन बाबू को अभी की अभी कहीं बाहर बुलाना पड़ेगा। हमारी सारी प्रॉब्लम की जड़ तुम हो, तुम्हारे कारण हम सारा दुख झेल रहे हैं। आरती, आरती, क्या क्या है? तुमने हमारी जिंदगी को कैसे बदहाल बना दिया है? आज हम तुम्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि तुम याद रखोगी। आरती, सौरभ, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बहन पे हाथ उठाने की? आपने क्या किया? अंशुमन भैया को पता था ना? ये तो ठीक नहीं कर रहा है सौरभ, छोड़ उसे। अच्छा अच्छा, तो तू अपने भाई को फोन करेगी? ये मैं नहीं डरता किसी से। आरती को छोड़ दे सौरभ, मैं आ रहा हूं, आ रहा हूं मैं। Eight, seven, six.
आखिर मोमेंट पे ये पिटपिट कहाँ रुक गए? क्यों नहीं आए वापस? कहाँ चले वो? आपने हमारा विश्वास अंशुमन जी नहीं आए सत्य नहीं आए हमारे अंशुमन जी सत्य हमारे अंशुमन जी नहीं आए सुमन तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को हाथ लगाने की? आज मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि अंशुमन भैया प्लीज प्लीज मत मारिए ना, हम आपके सामने हाथ जोड़े, हम इन्हें संभाल लेंगे। आपको पता कैसे चला? तुम्हारा फोन आया था, शायद मेरा नंबर गलती से लग गया होगा। भैया भैया किसी को सबक सिखाने के लिए मारा नहीं जाता भैया। अगर आज के बाद मेरी बहन को हाथ भी लगाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आगे चलो मेरे साथ। जाइए जाइए अंशुमन भैया। आपको पता भी नहीं है कि सुमन के पास नहीं पहुंचने देने के लिए हमने जान बूझ कर आरती के फोन से आपको कॉल किया। अब आप सुमन से कभी नहीं मिल पाएंगे। सुमन कान्हा जी की लीलाएं तो तुम जानते हो ना। अंशुमन को तुम्हारे पास ना बुला के वो तुम्हारी मदद कर रहे हैं। अंशुमन आएगा बेटा, अंशुमन पूरी तैयारी के साथ आएगा। तुम अपना विश्वास मत खोना। खाना खा लो बेटा। ले सुमन अपनी जिंदगी का आखिरी कौर खा ले। तुम चाहते हो ना कि हम भी खाना खाएं? खा लो। सुमनिया का राम नाम सत्य। जिनसे दिल का मुराद था तुमको थप्पड़ मारने का, आज जाके पूरा हुआ है। बहुत सताया है तुमने जीते जी हमको सुमनिया। हाँ जी, सब क्यों हो गया? अब इस गाड़ी को भी अभी रुकना था,
अंशुमन भैया आपको मेरे पास नहीं आना चाहिए था, आपको आधी रात के पहले सुमन के पास पहुंचना चाहिए था। वैसे भी आधा घंटा लेट हो चुका है। आज आधी रात तक का समय आपके पास, आधी रात को तारीख बदलने से पहले आपको हमें हमारा मान वापस देना होगा। अब बस हम ना तुम्हारे मरने का पक्का खबर का इंतजार कर रहे हैं। अब तो इतना समय हो ही गया है कि तुम्हारे अंशुमन बाबू भी तुम्हारी मौत को टाल नहीं सकते। मेरा वादा जरूरी था आरती, लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं, और इस बात को सुमन भी समझेगी। मैं तुम्हें ऐसे मार खाते हुए छोड़कर नहीं आ सकता था। आरती, तुम्हें खुद को मजबूत करना होगा। एक आदमी जो तुम्हारा सम्मान नहीं कर सकता, उसे तुम्हारे साथ रहने का कोई हक नहीं है। मैं सुमन का फोन ट्राई करता हूं। सुमन का फोन भी नहीं लग रहा है, ऊपर से इस तूफान को भी अभी आना था। भैया एक बार फिर से ट्राई कीजिए ना। मुझे बस एक बात नहीं समझ में आ रही है, आखिर बिग्बी एंड टाइम पर लौट क्यों गए? कहीं ऐसा तो नहीं ना कि सुमन और बिग्बी की कोई बात हुई? सुमन, सुमन, नंदन जी रुकिए, शायद वो सो रही। आप भी उसके पास जाके कानून का उल्लंघन मत कीजिए, उसने भी आपको पास आने से रोका है ना। हटिए, पीछे आइए। पुलिस को इन्फॉर्म कर दीजिए अलर्ट रहने के लिए। मैंने प्रॉमिस किया और वो आए ना, ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, वो आएंगे जरूर। अगर ऐसा हुआ क्या कि बिग्बी हैंड टाइम पर आए नहीं? मुझे लगता है अंशुमन जी को खबर हो गई थी कि आपने बुरी तरह से नजर बिछाए रखी है, हमें उन्हें एक गलती करने का मौका देना चाहिए था। लेकिन बिग्बी रहेगा। चलते हैं आते, वैसे भी काफी देर हो चुकी है। जी काम हो गया ना मामी जी, क्योंकि अंशुमन भैया आरती को यहाँ से लेकर निकल चुके हैं। सौरभ बाबू, सब काम हो गया है, बस कोहराम का इंतजार है, करते हैं आपको। ठीक है जी। आज हमसे बहुत बड़ा पाप होते होते बच गया भगवान जी। मती मारा गया था हमारा, वो तो समय पे आपने बुद्धि दे दिया, नहीं तो जो अगर हम सुमन की मामी के कहने पे जहर सुमन को दे दिए होते तो हमारा तो जीवन। ये क्या है बड़ी माँ? अरे ये क्या है? ये भगवान जी के चरणों में चढ़ाने के लिए चंदन है रे। अच्छा, पता है बड़ी माँ, आज बहुत दिनों के बाद ना बचपन की याद बहुत आ रही है।
बचपन में जब भी मैं आपसे कुछ भी मांगता था आप सब कुछ लाके मुझे दे देती थी। कुछ नहीं बड़ी मां, बस मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आप मेरे साथ खड़ी हैं, आप ही मुझे समझ रही हैं और कोई नहीं। थैंक यू सो मच बड़ी मां, थैंक यू। हाँ क्या है, क्या हो गया बता? बड़ी मां आपको तो पता ही है बिग बी और मेरे बीच क्या चल रहा है, तो बस मैं ये चाहता हूँ आपसे कि अगर मेरे पीठ पीछे बिग बी इस घर में आते हैं तो बस आप मुझे कॉल कर देना और कुछ नहीं बड़ी मां प्लीज, क्योंकि मुझे किसी और पे भरोसा नहीं है आपके अलावा प्लीज। हाँ कर देंगे, कर देंगे। हाँ छोटकी बाबू एक को बिद्दी करे तुमसे। हाँ माँ बुढ़ी माँ। ये सब ना आप बंद कर दो, ये रोज रोज का हो हल्ला कोहराम बर्दाश्त नहीं हो रहा है छोटके बाबू। बड़ी माँ मुझ पे विश्वास कीजिए, समझ लीजिए कि ये आज का दिन आखिरी दिन, इसके बाद कभी कुछ नहीं होगा प्लीज। भगवान कौन सा भूत सवार हो गया नंदन के सर पर, क्या हो गया है हमारे खून को हमारी परवरिश को, महाराज जी सद्बुद्धि देना हमारे बेटे को। सद्बुद्धि तो अंशुमन जी बड़के संदन जी नंदन बउआ ने फोन करने के लिए कहा था ना जब अंशुमन बउआ आ जाएंगे, फोन करिए ना। हाँ। आरती इस समय आरती यहाँ क्या कर रही है? अब तो ये नंदन बउआ को फोन करने से रही है। ससुराल में पैर नहीं देता तुम्हारा, भेजे थे ना वहां पर, चली क्या आए वापस तुम? क्या चाहते हैं आप बड़ी मां? ये उस घर में वापस चली जाए जहां पर इसे ये मिला है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए क्या किया सौरभ ने इसके साथ। हे राम, ये सौरभ बुआ एकदम बकनोल है। ऐसा कहा कि तुम कि दामाद जी को ये सब करना पड़ा, कर दिया मन करता है खींच के लगा करिए दीदी। अब भी आप आरती को ही दोष देंगी? दीदी पत्नी पे हाथ उठाना कानूनी जुर्म है। देखिए देखिए क्या हाल कर दिया हमारी बच्ची का, कितनी नीच हरकत की सौरभ जी ने। वो तो अच्छा हुआ अंशुमन इसे घर लेके आ गया, और कोई भी किसी पे ऐसे हाथ नहीं उठा सकता दीदी, फिर वो चाहे उसका पति ही क्यों ना हो। अंशुमन चल, सुमन तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये अब सुमनिया से मिलने जाएंगे, क्या करें? मामी जी चाबी दीजिए। नहीं भूल गए आप, कोर्ट ने क्या बोला है, 20 फीट दूर रहना आपको सुमन से। अंशुमन बाबू मत आइए आप सुमन के पास, अगर कहीं नंदन बाबू को पता चल गया ना घर में खून खराब हो जाएगा, या नंदन बाबू आपको जेल भिजवा दे। मत कीजिए ये सब। मामी जी आप चाबी दीजिए, मैं नंदन से या जेल जाने से डरता नहीं। नहीं हम चाबी नहीं देंगे, मैं यहाँ अपनी पत्नी को लेने आया, और मैं तब तक वापस नहीं जाऊंगा
जब तक कानूनी तौर पे ये साबित ना कर दूं कि सुमन मेरी पत्नी है। नहीं, हम सब हैं तुम्हारे साथ बेटा, तुम ले जाओ सुमन को अपने साथ। चंदन जी चाबी दीजिए। नहीं, हम नहीं दे सकते। चंदन जी चाबी दीजिए। नहीं, हम चाबी नहीं दे रहे। हम इस परिवार को बिखरते हुए नहीं देख सकते। बल्कि समदर्श, आप तो कुछ बोलिए। आप भी तो कह रही थी ना कि इस घर में अब खून खराबा नहीं होना चाहिए। अगर हम चाबी दे देंगे ना तो यहाँ पता नहीं क्या हो जाएगा। हे भगवान, बचा लो कोई इस घर को, बचा लो। चंदन जी चाबी दे के जाइए। अंशुमन, ताला तोड़ दो। सुमन,